वेलकम बैक टू कैमरेटीन्स, मैं हूँ आप लोग की दोस्त रीमा। हमारा पर्पल का वो बॉक्स जिसके अंदर मेरे मेकअप प्रोडक्ट्स हैं जो मैंने मंगवाए हैं पर्पल से, तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट कौन सा है। तो हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट जो मैंने पर्पल से मंगवाया है ये है फेसेस कैनेडा का मैग्नेट आईज लाइनर। तो फ्रेंड्स ये हमारा इसका अमाउंट है 249 एंड इसकी पैकेजिंग अपर पैकेजिंग है ऐसी है ना, उसको इंटरनली ओपन करके मैं आपको दिखाती हूँ। इसको ओपन कर चुकी रही है इसकी इंटरनल पैकेजिंग। तो अगर मैं बात करूँ इसके एप्लीकेटर की अप्लाई करने में कैसा है, तो गाइस बहुत सॉफ्ट है गाइस, ना तो ये स्मज हो रहा है, हाई पिगमेंटेड है, कलर बहुत अच्छा नहीं, जेट ब्लैक है इसका एंड इसका एप्लीकेटर बहुत सॉफ्ट है, लो प्राइस में, चीप प्राइस में बहुत अच्छा लाइनर है। तो नाउ वी विल टॉक अबाउट सेकंड प्रोडक्ट। नाउ आवर सेकंड प्रोडक्ट इज फेसेस कनाडा का फाउंडेशन। ये भी अगेन वही फेसेस कनाडा का है क्योंकि आजकल मुझे थोड़ा सा ज्यादा चस्का कह सकते हैं कि लगा हुआ है, लाइक एक्चुअली आजकल मैं थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ फेसेस कनाडा के प्रोडक्ट के साथ। मैं थोड़ा सा इनको ट्राई कर रही हूँ बिकॉज मैंने अभी मैं जो इसका पहले अप्लाई कर रही थी फेसेस कनाडा का स्टिक फाउंडेशन, तो वो काफ़ी अच्छा है। तो मैंने इस वक्त अभी मंगवाया है लिक्विड फाउंडेशन एंड लिक्विड फॉर्मेट में है ये, इसका फॉर्मेट लिक्विड है। स्किन पे अप्लाई कर रही हूँ कलर की, तो नथिंग इज हैपनिंग ऑन माई हैंड, कुछ नहीं हुआ मेरे हाथ पे, मतलब मेरे हाथ पे फाउंडेशन का एफ भी नहीं लगा है, देखिए जस्ट वैसे का वैसा ही है। तो अगर मैं बात करूँ प्राइस की, तो प्राइस इज 199। तो मैं ये बोलूँगी, मैं सिर्फ टेस्ट करना चाहती थी कि फेसेस कनाडा का 199 का फाउंडेशन कैसा आता है, बट आई विल से बिग नो। अब वो फेसेस कनाडा का 199 का मतलब चीप प्राइस का जो इन्होंने फाउंडेशन निकाला है वो बिल्कुल बकवास है, आप यूज़ ना करें, आप इसको ना लें तो ज़्यादा अच्छा है। मेरा थर्ड प्रोडक्ट अगेन फेसेस कनाडा का है एंड ये है अल्टीमेट प्रो ब्रो डिफाइन पेंसिल एंड वन साइड है फिलर एंड वन साइड है इसका एप्लीकेटर। तो पहले हम बात करते हैं एप्लीकेटर की। एप्लीकेटर इज जस्ट सी, ये है इसका एप्लीकेटर। तो एप्लीकेटर काफ़ी अच्छा लग रहा है मेरे को, एप्लीकेटर में कोई दिक्कत नहीं है। एंड गाइज अगर मैं बात करूँ इसके, तो इट्स नॉट टू हार्ड, अप्लाई करने में आई थिंक इजी होगा, हाँ इजी है गाइज इसकी। नाउ वी विल टॉक अबाउट ब्रो फिलर। तो ब्रो फिलर इज जस्ट ये, इसका कलर है ब्राउन, लाइट ब्राउन है, मीन्स ज़्यादा डार्क ब्राउन होता है तो वो भी हमारे आईज ब्रोज से थोड़ा अलग जाता है, और अगर ब्लैक होता है तो वो तो बिल्कुल ही हमारी ब्रोज अलग जाती है, बट इट्स अ लाइट ब्राउन। और इसका मैं आपको अगर इसका दिखाऊं कि इसका पिगमेंटेशन, इसकी पिगमेंटेशन कैसी है, तो ये आप देख रहे हैं लाइट ब्राउन है, तो लाइट ब्राउन का शेड आपको ऐसा ही आएगा, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं है, डार्क आएगा तो फिर वो हमारी ब्रोज अलग ही नज़र आएंगी। ये कलर आपकी ब्रोज में फिल होके ये आपकी ब्रोज को नेचुरल लुक देगा। इसका प्राइस है 499, पर आपको ये डिस्काउंट भी मिल जाएगी बिकॉज पर्पल पे हमेशा कोई ना कोई डिस्काउंट या कुछ ना कुछ चलता रहता है। समवन सजेस्ट मी कि आप NYBA के प्रोडक्ट्स ट्राई करिए, NYBA इज अ ब्रांड बट वो बहुत चीप प्राइस पे बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स लेकर आया मार्केट में एंड उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है बट प्राइस बहुत चीप है, तो बहुत अच्छा है, तो मैंने कहा वाई नॉट एक बार ट्राई करना चाहिए, अगर ब्रांडेड प्रोडक्ट्स आपको चीप प्राइस पे मिलेंगे तो वाई नॉट। तो मैंने इसलिए आप इस बार कुछ प्रोडक्ट्स मंगवाए हैं NYBA के, तो मैं वो भी रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो मेरा फर्स्ट प्रोडक्ट है NYBA का ये फेस प्राइमर एंड माय गॉड इसका टेक्सचर जस्ट ये देखिए ट्रांसपेरेंट कलर में है फेस प्राइमर एंड बिल्कुल क्रीम लुक में है, क्रीम की तरह ये नजर आ रहा है एंड जस्ट को मैं ब्लेंड कर रही हूँ तो ब्लेंडिंग में इतना मजा आ रहा है, बहुत सॉफ्ट है, बहुत सॉफ्टली ब्लेंड हो रहा है और इफ आई विल से तो बहुत स्मूथ फिनिश दे रहा है मेरी स्किन को। इट्स प्राइस इज 2-5 काउंटर, फाउंडेशन कम, कंसीलर कम, काउंटर कम, कलर करेक्टर स्टिक, तो ये एक साथ 4 काम कर रहा है। तो अगर 4 काम एक साथ कर रहा है तो वाई नॉट भाई, एक बार इसको टेस्ट जरूर किया जाए कि एक साथ अगर कोई भी चीज़ एक साथ 2 या 3 काम करती है तो वो चीज़
यूज करनी चाहिए, एक बार ट्राई करके जरूर देखना चाहिए। तो ये टर्मरिक कम्स इन अ स्टिक, ये एज अ स्टिक में आता है, ये देखिए। तो ये कंसीलर का मिक्स कम्स इन अ स्टिक, बुलेट स्टिक, फाउंडेशन का कंसीलर। तो इसको अगर मैं यूज करूँ कंसीलर की तरह, तो अगर मैं एज कंसीलर इसको लगाऊँ तो यस इट विल वर्क, बट नॉट फॉर ड्राई स्किन, ड्राई स्किन पे बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएगा ये। लेकिन हाँ, अगर किसी की ऑयली स्किन है तो उस पर बहुत अच्छा जाएगा ये। तो एंड नाउ इसको ब्लेंड करके देखते हैं कि ये ब्लेंड ईजिली होता है या हार्डली होता है। तो यस, बहुत ईजिली ब्लेंड हो रहा है एंड बहुत अच्छे से मेरी स्किन में अब्सॉर्ब भी हो गया है। तो एज अ कंसीलर भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, एज अ फाउंडेशन भी यूज़ कर सकते हैं। प्राइस इज 115। तो 115 अगर आपको एक कंसीलर मिल रहा है जिसको आप एज अ फाउंडेशन और कलर करेक्टर और काउंटर करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, देन वाई नॉट। तो हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट है NYP का फाउंडेशन। तो गाइस, इट कम्स इन अ बॉटल, ये बॉटल में आता है। एंड इसकी बात करूँ अगर एप्लीकेटर की, तो देर इज़ नो एप्लीकेटर, जो इसका सबसे ज़्यादा एक ड्रॉबैक है, क्योंकि एप्लीकेटर तो ज़रूर होना चाहिए, बिकॉज आप निकालें कैसे, लाइक पंप या फिर कुछ होना चाहिए था। इसको हम अप्लाई करें, जस्ट आपको अप्लाई ऐसे ही करना पड़ेगा। तो ये लिक्विड फॉर्मेट में आता है, आप देख सकते हैं इसका फॉर्मेट लिक्विड है। एंड नाउ आई विल अप्लाई इट, मैं इसको अपने हैंड पे अप्लाई करके ब्लेंड करने वाली हूँ कि ब्लेंड होता है या नहीं होता है, एंड इसका टेक्सचर चेंज होता है या नहीं होता। तो मैंने जैसे इसको अप्लाई करके ब्लेंड कर रही हूँ, तो यस, हाँ थोड़ा क्रीमी है, थोड़ा ज़्यादा ही क्रीमी है, बट यस, ये मेरी स्किन के लिए बहुत सही है, बिकॉज आई हैव अ ड्राई स्किन। तो ड्राई स्किन पे थोड़ा सा क्रीमी ही चाहिए होता है। एंड गाइस, यस, काफ़ी अच्छा फाउंडेशन है, आप देख सकते हैं इधर से, एंड दोनों में काफ़ी डिफरेंस नज़र आ रहा होगा आपको। बात करते हैं इसके प्राइस की, तो प्राइस जस्ट इसका है 149 का ये फाउंडेशन है। बस इसमें ड्रॉबैक सिर्फ इसका इतना है कि इसमें एप्लीकेटर नहीं है। तो ये है NYBAY की द बिग एप्पल ऑफ माई आई कोल पेंसिल, और मैंने इसको भी पर्पल से ही ऑर्डर किया था। इसका जेड ब्लैक है या फिर नॉर्मल ब्लैक है। तो आई एम अप्लाइंग ऑन माई हैंड एंड यस, वेरी नाइस, बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है, बहुत, मतलब वन स्ट्रोक में ऐसा कलर, वेरी नाइस। तो मैंने ऑर्डर किया है NYBAY का pH बैलेंसिंग स्किन न्यूट्रलाइजर। ये एक्चुअली वही, अगेन इसके भी 2 से 3 काम है, बिकॉज ये न्यूट्रलाइजर है, बट इट्स ऑल्सो वर्क लाइक सेटिंग स्प्रे, मेकअप सेटिंग स्प्रे। पैकेजिंग आप देख रहे हैं जस्ट लाइक सिंपल नॉर्मल कार्डबोर्ड बॉक्स पैकेजिंग है। एंड इसके इंटरनली मैं आपको दिखा देती हूँ इंटरनली कैसा है ये। इंटरनली इज जस्ट कम, इट कम्स लाइक दिस, ये एक स्प्रे बॉटल में आता है। तो गाइस, अगर मैं बात करूँ इसकी कि व्हाट कंपनी सेज अबाउट, कंपनी क्या बोलती है, तो कंपनी इज की इजी टू अप्लाई, कीप द स्किन सॉफ्ट, आपकी स्किन को सॉफ्ट रखता है, एब्जॉर्ब क्विकली, बहुत जल्दी जैसे ही आप स्किन पे स्प्रे करेंगे एब्जॉर्ब हो जाएगा। स्प्रे करना है जस्ट अराउंड 10 to 15 सेंटीमीटर अराउंड, इससे ज़्यादा या कम ज़्यादा मत करिएगा कि लाइक यहाँ से स्प्रे कर रहे हैं, नो, जस्ट 10 to 15 सेंटीमीटर, इतना ही डिस्टेंस होना चाहिए। हेल्प इन स्किन रिपेयर, जैसे हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई या डल हो जाती है, तो उसको स्किन को रिपेयर करने में काफ़ी हद तक ये हेल्प करता है। एंड एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव बैरियर, ठीक है, एंड कंट्रोल सीबम प्रोडक्शन। तो ये है, नाउ वी विल टॉक अबाउट प्राइस। तो प्राइस है इसका ओनली 199, सिर्फ 199 में आपको एक न्यूट्रलाइजर सेटिंग स्प्रे मिल रहा है। गाइज, एक्चुअली अगर मैं बात करूँ ना NYBAY के प्रोडक्ट्स की, तो मैंने जितने भी प्रोडक्ट्स बाय किए सारे ही मुझे अच्छे लगे, जितनी चीज़ें मैंने ली सब मुझे अच्छी लगी। मुझे ऐसा एक भी प्रोडक्ट, हाँ दैट पेंसिल, आई पेंसिल, वो थोड़ा सा मुझे कम अच्छी लगी, बट वो भी हाई पिगमेंटेड थी। लेकिन बाकी और सारे प्रोडक्ट बहुत ही अच्छे लगे, मतलब लाइक इतने लो प्राइस पे इतने अच्छे प्रोडक्ट, तो कहना पड़ेगा वेरी नाइस है, देना पड़ेगा भाई अब एक थम्स अप, क्योंकि सच में बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं।